भगवान राम ने भी सब्र रखा, हर परिस्थिति में खुद को आवेश से दूर रखा। उसका ही नतीजा यह रहा कि रावण का वध कर वह दुनिया के लिए बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक बने। राजा राम जब अयोध्या लौटे तो वह चमक उठी और राजा राम का दरबार लगाया गया। यह बात प्रकाश नगर में आयोजित राम कथा के समापन अवसर पर बुधवार को कथावाचक पंडित कमलेश शर्मा ने तो राजा को समझ लो, मुझे अपने शरण में ले लो हरि, मुझे अपने शरण में ले लो हरि, मेरी चिंता पे रहे तेरे नाम, मेरी चिंता पे रहे तेरे प्रभु जी मांगो यही बरदा, प्रभु जी खबर मिली है प्रकाश भैया से, वहां से आया है, उन्होंने कहा है जितने भी सुनने आ रहे यानी सभी को यहीं पर भोजन कल करना है 12 बजे। रहते दोनों ही लगे रहते, आयुष्मान सचिव हमेशा कराते रहे, माँ आपको शक्ति दे। जोरदार जयकारा लगाइए चामुंडा भैया की, इतनी कम आवाज, बोले ताली भैया की। लगातार 15वां वर्ष प्रतिवर्ष इन लोगों के अथक प्रयास से, हमारे प्रकाश भाई की लगन, इन दोनों माँ बाप अच्छे पद में मेरे प्रकाश भैया हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाई प्रकाश भैया के लिए, पीठ का पूजन करें। हाँ भैया अब बजाते रहना, अब बजाना बीच में। नाचार पत्र के ब्यूरो चीफ शरद जी गुप्ता से निवेदन करूंगा कि व्याय और व्याज का पूजन। Thank you.
हमारे बीच में पूर्व पार्षद सीएल वर्मा जी भी मौजूद है, वे भी आए और व्यासपीठ हमारे बीच में पटवारी साहब सुंदरलाल जी जोशी जी भी मौजूद है, वे भी आए और व्यासपीठ का पूजन करें। दैनिक भास्कर समाचार पत्र के प्रेस फोटोग्राफर प्रदीप जी व्यास भी मौजूद है, वे भी आए और व्यासपीठ का पूजन करें। सोनी समाज से हमारे बीच में पहुंचे हैं आदरणीय सोनी जी से निवेदन करूंगा कि वे भी आए और व्यासपीठ का पूजन करें। बस कुछ ही देर में आरती होगी। हेलो, मैं हमारे बीच में आदरणीय नकजी राम जी पाटीदार साहब क्षेत्र के मामा जी आदरणीय सुरेश मामा जी उपस्थित हैं, हमारे रविंद्र भैया जो रोज आ रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह आप ही